हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। कल जो है मैं थोड़ा पोस्टिंग में डिले हो गया मुझे एंड मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो। मुझे दूसरा स्लॉट शूट करना था जेनेटिक टेस्टिंग का। सो आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ। दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड जैसे ही मैं उठी मुझे लगा नहीं, आई हैव टू बी ऑन माई कमिटमेंट एंड मुझे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है और जो भी मैंने रिसर्च किया है थोड़ा बहुत इंटरनेट पे, मैं उसके बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसको श्योर शॉट मत लेकर चलिएगा। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा बिकॉज हर बच्चे की कंडीशन डिफरेंट है। किसी बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है, उसकी वजह से उनको ऑटिज़म के ट्रेट्स हैं। किसी बच्चे के साथ में फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम का इशू है, इसलिए उनको ऑटिज़म के ट्रेट्स हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंट इशू है हर बेबी के साथ, इस वजह से ऑटिज़म के ट्रेट्स हैं। तो ऑटिज़म के ट्रेट्स किसी भी रीज़न से आ सकते हैं। उसमें कोई ब्रेन इंजरी जो डिलीवरी के टाइम हुई है, कोई वैक्सीन थी, कोई ऐसी मेडिसिन एक्सपोज हो गई जिसने ब्रेन को स्लो कर दिया। कि जेनेटिकली बच्चे ठीक चल रहे थे वूम के अंदर, बट जब डिलीवरी हुई जिस समय, उस समय कोई ब्रेन ब्लीड हुआ है या फिर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है या कुछ भी ऐसा इंजरी हो गई है जो इनफैक्ट आपको भी नहीं पता है, जिससे ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया है जो जनरली हमें नहीं पता लगता विदाउट MRI, तो वो वाली चीज़ के साथ भी जो है ऑटिज़म के ट्रेट्स आ जाते हैं। आप ये सारी ही कंडीशंस, क्योंकि सबके साथ डिफरेंट कंडीशन है, तो इसको कोई शोर शॉट वो लेकर नहीं चलेंगे। गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर या फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी आप जिनके साथ भी कभी पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे एंड देन। सो मेरे केस में मुझे नहीं पता है कि विराज को किस रीज़न से ऑटिज़म है, बिकॉज समवेयर अराउंड 2 ही वॉज डूइंग फाइन। अब मुझे लगता है MMR की एक वैक्सीन लगी थी जिसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, तो मैंने एक वीडियो भी डाला था MMR की वैक्सीन के ऊपर। सो मेरे ये वाले रीजंस हैं। तो मैंने जब डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने पहले तो मुझे ये बताया कि जो जेनेटिक टेस्टिंग है उसमें एक फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम की जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो कि आप पहले करा सकते हैं, और उस पहले कराने के उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम जो है आपकी टेंडेंसी है या नहीं है, या आपके हस्बैंड की टेंडेंसी है या नहीं है कि वो कैरी फॉरवर्ड हो नेक्स्ट बेबी में। दिस इज़ वन। देन प्रेगनेंसी के बाद, यानी प्रेगनेंसी अकर हो गई, अब आप FMR की करा रहे हो तो वो थोड़ी और एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे देगी। उसके अलावा जो बाकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि कोई डिजीज़ तो नहीं होगा या कुछ ऐसा तो नहीं होगा आगे जाकर, तो वो एक और जेनेटिक टेस्टिंग होती है। और जेनेटिक टेस्टिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट जेनेटिक टेस्टिंग आपको ऑटिज़म जो है वो स्पेसिफिकली ऑटिज़म होगा ही होगा वो नहीं बताती है। तो जेनेटिक टेस्टिंग या कोई भी ऐसी टेस्टिंग ऑटिज़म नहीं बताती, क्योंकि अगर वो बता सकती तो बहुत सारे लोग कंसीव करते ही नहीं और वो अपने बेबीज़ को बर्थ ही नहीं देते एंड अपनी प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट कर देते। तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी कि श्योर शॉट कि आपके बेबी को ऑटिज़म होना ही होना है। देन उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जब कंसीव कर लेते हो तो जो हम डबल मार्कर करते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोनोमी 18 हम पता लगा लेते हैं विद इन द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें आपकी एक हाई रिस्क आती है। और उसके बाद एक एनोमली स्कैन होता है जिसमें आप बेबी का स्ट्रक्चर देखते हो, ब्रेन का, हार्ट का, उसकी किडनी फंक्शन, उसका जो लिवर बना है वो, उसका स्टमक, एवरीथिंग। तो जब आप वो चीज़ें देखते हो उसमें अगर कोई इशू आता है तो हम पेशेंट को जो है एक हाई रिस्क बता देते हैं ऑफ ऑटिज़म, बट कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने का या डिले होने का या बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें स्लोनेस आ सकती है उससे रिलेटेड हम एक चीज़, एक डिस्क्लेमर जो है पेशेंट को दे देते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नहीं होता एंड बच्चा टिपिकली डेवलप करता है, कुछ केसेस में डिले भी होता है, बट एज एन अलार्म, एज अ डिस्क्लेमर हम ये बताते हैं। और ये बताना हमारे जो है, हम जब बुकिश, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ओथ लेते हैं कि हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना है इन अ वेरी बुकिश मैनर, तो वो हम ज़रूर बताते हैं। सो दैट वॉज द होल ट्रूथ अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग विच माई डॉक्टर गेव इन, एंड मैंने ये दो ओपिनियंस लिए थे ऐसे, तो दो ओपिनियंस में मुझे पता लगा। देन आई आस्क्ड व्हाट आर द चांसेस कि अभी अगर जैसे मेरे फर्स्ट बेबी को ऑटिज्म एंड आई डोंट नो द रीज़न, और मैं अभी जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कराना चाह रही क्योंकि मुझे नहीं पता किस रीज़न से हुआ, कितनी एक्यूरेसी आएगी। देन जेनेटिक टेस्टिंग जब आप प्रेगनेंसी के बाद कराते हो तो प्लेसेंटा का टिश्यू लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो DNA चेक करते हैं बेसिकली, और या फिर एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, तो उस तरह से DNA टेस्टिंग होती है, विच इज़ मुझे वो थोड़ा रिस्की लगा सुनने में कि आप एमनियोटिक फ्लूइड लोगे या प्लेसेंटा का टिश्यू लोगे। दैट काइंड ऑफ DNA टेस्टिंग साउंडेड वेरी रिस्की, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले वाला स्टिल वी कैन कंसिडर।
दूसरी चीज जो NBNT स्कैन होता है और जो फिर उसके बाद एक ब्लड टेस्ट होता है डबल मार्कर, एक क्वाड मार्कर भी होता है जो कि 4th मंथ के बाद अगर आप करा रहे हैं तो क्वाड मार्कर बोलते हैं। तो डबल मार्कर में, अब पहले ट्रिपल मार्कर हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डबल मार्कर थोड़ा और एक्यूरेट रिजल्ट देता है एंड वो लास्ट के कुछ जो साल होते हैं उनसे भी पिकअप करता है कि कोई टेंडेंसी ऐसी रही हो बॉडी में, तो वो काफ़ी कुछ जो है एक्यूरेसी से पिकअप करता है ट्रिपल मार्कर के अकॉर्डिंग। तो जब वो टेस्ट हुआ, वो मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल आए थे। अभी विराज की बारी भी, क्योंकि मैंने विराज की रिपोर्ट्स भी शेयर करी थी एंड इस बार भी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि सी अगर डाउन सिंड्रोम आता है या ट्राइसोनॉमी आती है, वो भी रिस्क के बेसिस पे आती है एंड हम बताते हैं हाई रिस्क है या लो रिस्क है। तो दो तरीके से रिपोर्ट विभाजित होती है, एक तो लो रिस्क, एक हाई रिस्क। अब हाई रिस्क है तो हम पेशेंट के ऊपर छोड़ते हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं। लो रिस्क में ये है कि बिल्कुल ही बहुत लो रिस्क, बहुत सारी वेमेन में से एक वुमन के साथ ऐसा हो सकता है कि शायद उनके बेबी को इस रिपोर्ट के सही आने के बाद भी डाउन सिंड्रोम निकल आए, देन दैट्स अगेन अ लक। अब एक फीमेल के लिए प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना इज़ अ वेरी बिग इमोशनल ट्रॉमा, क्योंकि आप 3 महीने बहुत ज़्यादा जो है, सी वी फीमेल्स व्हेन वी सी लाइन ऑन दैट प्रेगनेंसी स्ट्रिप, द मोमेंट वी सी दैट लाइन, वो लाइन हमारे लिए जो है एक, हमें ऐसा लगता है हमारे जो वूम है उसमें बेबी है, जबकि एक्चुअली वो अभी सेल होता है, इट्स डेवलपिंग एंड 3rd मंथ तक वो बेबी का स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर देता है, फीटस बनना शुरू कर देता है। तो वो इमोशनली जो है वो एक तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है कि आप अपनी प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट कर रहे हैं या अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं। देन अगेन इट्स वेरी वेरी पर्सनल चॉइस ऑफ एवरीवन, इसमें कोई ये नहीं कि आपको लगता है कि नहीं मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी, मैं डाउन सिंड्रोम वाले बेबी की जो टेक केयर करने के लिए रेडी हूँ, एंड किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा तो वो अबॉर्ट करा रहे। पर्सनल डिसीजन, और कोई किसी को इसमें जज ना करे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कमेंट भी करने वाले हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स को बिना बायस्ड हुए, अपने कमेंट्स को अपनी लाइफ कंडीशन के अकॉर्डिंग मत लिखिए, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि हर किसी की लाइफ कंडीशन डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज समवन कमिंग ऑन सोशल मीडिया शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग देयर स्टोरी विद यू डज नॉट मीन यू हैव टू फॉलो देम। आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सेकेंड बेबी चाहिए एंड यू आर रेडी इन ऑल द टर्म्स, लाइक आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग बैड, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग गुड, क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में विराज को एक कंपनी देना चाहती हूँ और मुझे अब ये चीज़ें पता हैं कि अर्ली इंटरवेंशन भी रोल प्ले करेगा, और मुझे कहीं ना कहीं विराज के साथ काम करते करते एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई है कि द मोर आई एम पॉजिटिव विद हिम द मोर पॉजिटिव आउटकम्स कम इन। तो ये एक चीज़ है। तो आई एम नॉट इमोशनल इन टेकिंग दिस डिसीजन, आई वॉज इमोशनल प्लस आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल वाइल टेकिंग द डिसीजन ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी। सो देर वर लॉट ऑफ पीपल हु पुट इन अ कॉमेंट दैट द डिसीजन शुड नॉट बी इमोशनल। येस, द डिसीजन शुड नॉट बी इमोशनल, इट शुड बी प्रैक्टिकल एज वेल एज कि आप आगे की लाइफ किस तरह से लीड करते हो, आप क्या हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आपका डिसीजन उस पर होना चाहिए। जेनेटिक टेस्टिंग इज अगेन योर ओन डिसीजन, आपको करानी है नहीं करानी। आई डिड नॉट गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग हो भी जाती है, आप जो प्रेगनेंसी से पहले चाह रहे हो कि प्रेगनेंसी से पहले अगर आप करा भी लेते हो, देन इट माइट नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट, और हो सकता है शायद एक एक्यूरेट रिजल्ट आ भी जाए, चलो यू डू नॉट गेट प्रेगनेंट, बट लेट से इट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट, यू गेट प्रेगनेंट, एवरीथिंग, आप चलो एक प्रेगनेंसी के बाद भी एक जेनेटिक टेस्टिंग करा लेते हो, वो सब ठीक चल रहा है एंड द मोमेंट यू आर गिविंग बर्थ टू द बेबी वहाँ कुछ हो जाता है। सो देर इज़ नॉट अ गारंटी कि कभी डिलीवरी के टाइम कोई ऐसी चीज़ हो गई या जब पैदा हुए तो कोई ऐसा डिजीज़ हो गया जिसकी वजह से ब्रेन इम्पैक्ट हो गया। सो देर इज़ नॉट अ गारंटी कि ऑटिज़म किस रीज़न से हो जाएगा या कैसे होता है। तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने क्लैरिटी ये दी थी कि यू कैन नॉट कोट समवन एंड गो एंड से कि मैंने जेनेटिक टेस्टिंग कराई थी और आपने मुझे बोला था कि कुछ नहीं होगा, नाउ माई बेबी हैज़ ऑटिज्म। सो दैट इज़ वाई दे ऑलवेज एंड ऑलवेज इफ़ यू गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट, वहाँ लिखा होगा जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं होती है, और साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या डॉक्टर भी एक पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो व्हेन यू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर आप बात करते हो, जैसे मैंने भी बात करा, तो मैंने पूछा क्या रिस्क चांसेस होते हैं, तो उन्होंने बोला कि सी वर्ल्ड वाइड सर्वे डेटा के हिसाब से अगर योर सेकेंड बॉय, अगर आपका सेकेंड बेबी मेल है
एंड आपके फर्स्ट बेबी को ऑटिज्म एंड इफ इट वॉज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट हैपेंड एट द टाइम ऑफ योर कंसेप्शन या जो भी. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज आर यूनिक. पहली प्रेगनेंसी आपकी डिफरेंट है, सेकेंड प्रेगनेंसी डिफरेंट है, आपकी बॉडी कंडीशन डिफरेंट है, जो आपने तब कंसीव किया एंड अब कंसीव किया. स्पर्म की क्वालिटी डिफरेंट होगी, एग की क्वालिटी डिफरेंट होगी. तो जब कंसेप्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट जो है सिनारियोज रहते हैं हर प्रेगनेंसी में. तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि अगर आपके फर्स्ट बेबी को ऑटिज्म है तो देर आर मेनी पेरेंट्स जिनके सेकेंड बेबी जो है टिपिकल होते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंसेप्शन की क्वालिटी कैसी थी, प्रेगनेंसी की क्वालिटी कैसी चली एंड आपकी क्वालिटी लाइफ कैसी थी उस समय जिस समय आप प्रेग्नेंट थे, डिलीवरी कैसी हुई एंड डिलीवरी कितनी अच्छे से हो गई, ट्रांजिशन कितने अच्छे से हो गया अर्थ पे, बेबी की टिपिकल बेबी की जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स थी उस पर कैसा काम किया गया, सब कुछ बहुत मिला जुला के होता है. लेकिन स्टिल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क कि कितना रिस्क होता है, देन अगर बेबी बॉय होता है देन देर इज़ अ रिस्क ऑफ 18-36%. अगर बेबी गर्ल होती है देर इज़ अ रिस्क ऑफ 6-10%. तो हम एक रेंज देते हैं हमेशा कि इतना परसेंट रिस्क हो सकता है कि इतने परसेंट से हल्का सा माइंड अफेक्टेड हो. लेकिन देन अगेन इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं, किसी का बच्चा बिल्कुल जो है टिपिकल ग्रोइंग ब्रेन के साथ जो है बर्थ ले सकता है एंड टिपिकली ग्रो कर सकता है. सो जब मैं मुझे सारी अनसर्टेनिटीज़ पता लगी देन आई थॉट कि जब सब कुछ ही इतना अनसर्टेन है एंड एक्चुअली यू नो एवरीथिंग, लेट्स से एवरीथिंग गोज वेल एंड आई गिव बर्थ, समथिंग हैपन्स, तो मैं नहीं जानती कि आगे की लाइफ फोर्स ही मैं नहीं कर सकती. तो होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड किसी के साथ भी हो सकता है. सो बी इट माई बेबी, बी इट मी, बी इट एनी वन इन दिस वर्ल्ड, वो किसी के साथ कभी भी हो सकता है. सो आई थॉट दैट यू नो बेटर इन टू गोइंग इन सो मच डेप्थ, गोइंग इन टू जेनेटिक टेस्टिंग वेयर आई हैव नो श्योरिटी एंड मतलब एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम ऐसा है जो 99% रिजल्ट एक्यूरेट दे देता है. उसमें भी मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि मे बी वेन यू गिव बर्थ वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, क्योंकि लड़कियों में फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बहुत ना के बराबर ही फ़र्क डालता है, लड़कों में बहुत चेंजेस कर देता है एंड ऑटिज्म के ट्रेड्स करता है. सो शी सेड यू नो यू नेवर नो वॉट हैपन्स इफ़ यू हैव अ गर्ल, मे बी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम मे नॉट अफेक्ट दैट मच एंड देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज दैट गो इन आफ्टर द जेनेटिक टेस्टिंग एज वेल. तो जब आप प्रेगनेंट होते हो तो बहुत सारी और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं. तो प्रेगनेंसी इज इट सेल्फ इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसमें आपको बहुत ध्यान रखना होता है. बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है 3 महीने तक और बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं. यू नेवर नो एट विच पॉइंट इन टाइम ऑफ योर प्रेगनेंसी वॉट थिंग हैपन्स. सो इट विल बी योर डिसीजन, यू कैन नॉट कोट अ डॉक्टर, यू कैन नॉट कोट एनी वन आकर कि मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा आपने सब कुछ ये बताया था एंड नाउ दिस इज़ हैपनिंग. सो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका बच्चा जेनेटिकली ठीक भी आ रहा है हर टेस्ट में, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेन ब्लीड हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, सो यू नेवर नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन. सो आई मी एंड विक्रांत सो वी टुक अ डिसीजन कि अगर इतनी ही अनसर्टेनिटी है एंड वी आर ऑलरेडी लिविंग इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग इमोशनल, बट एक्चुअली ये प्रैक्टिकलिटी ही है कि हम इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाता है. सो लेट्स लिव इन प्रेजेंट, लेट्स गिव विराज अ कंपनी, लेट्स इन्जॉय, लेट हिम इन्जॉय हिज लाइफ, लेट इन्जॉय आर लाइफ एंड इन्जॉइंग आर लाइफ इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन वी ब्रिंग अ बेबी, बिकॉज वी लव किड्स. हम विराज को भी बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट चैनल पर जितने बच्चे हैं उनको भी एंड टिपिकल बच्चे भी हैं, तो भी मतलब हमें जहाँ बच्चे दिखते हैं वी आर फुल्ली इन लव विद देम. सो वी लव देम. जब भी कोई बच्चा मिलता है कहीं भी, मतलब हमें बच्चे एक्चुअली कहते हैं ना बच्चे आपको बहुत पसंद होते हैं, तो मुझे स्पेसिफिकली आई जस्ट लव किड्स. मैं विराज को भी बहुत प्यार करती हूँ और नेक्स्ट बेबी के लिए भी, वॉट्सो एवर इज़ इन द सिचुएशन, वॉट्सो एवर इज़ इन द फ्यूचर, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम ओके विद इट. मे गॉड गिव मी ऑल दैट स्ट्रेंथ कि वो चैलेंजेस आई ना एंड हम पहले से ही काम कर लें. देन अगेन इफ आई रियली से दैट ऑटिज्म इज नॉट अ डिसेबिलिटी, इफ आई एम स्प्रेडिंग समथिंग ऑन दिस चैनल, then I should not be afraid of my second child coming in with any such challenge. I should not be, क्योंकि फिर वो biasness है मेरी कि मैं चैनल पे तो आकर बोल रही हूँ autism is not a disability, autism ये, autism वो and autism की beautification, although I know there are lot of challenges going in with autism, but वो फिर मेरी biasness, मेरी गलती है कि मैं खुद तो ये message spread कर रही हूँ and then I am taking a step back and I am thinking a lot about it. So that was my experience, that was my whole
माइंड सेट वेन आई टुक अ डिसीजन कि मुझे जेनेटिक टेस्टिंग करानी है नहीं करानी, क्या रिस्क है क्या नहीं है, कि आप जाकर बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि बात करने से आपको हर डॉक्टर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. मैंने दो से बात करी, दोनों का मोस्टली सेम था पर्सपेक्टिव, 80% तो ऑलमोस्ट सेम ही था दोनों डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव, देवर गोइंग बाय बुक. तो डॉक्टर आपको बिल्कुल जो है, डॉक्टर्स आपको बिल्कुल प्योर भाषा में बिल्कुल लेमैन की तरह समझाएंगे. तो हर किसी का डॉक्टर जो है डिफरेंट होगा. मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप ओपिनियन लेने जाओगे किसी गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या जिनका भी आप ले रहे हैं, आप प्लीज़ कम से कम 2 से 3 ओपिनियन ज़रूर लीजिए एंड मैच करिए हर डॉक्टर क्या बोलता है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए. क्योंकि ये डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन एक टफ डिसीजन, एक बिग डिसीजन है, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, आपके लिए, आपके आने वाले बेबी के लिए और जो आपके अभी ऑटिज्म बेबी ऑलरेडी हैं उनके लिए भी. तो ये एक डिसीजन जो है ये बहुत डिफरेंट रहेगा. इसीलिए देखिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमारे चैनल पे हैं इनफैक्ट, जिनके फर्स्ट बेबी बहुत टिपिकल हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बेबी के साथ ऑटिज्म के चैलेंजेस हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2 बच्चों को भी ऑटिज्म है और 2 ही बच्चे हैं, दोनों को ही ऑटिज्म है, लाइक ट्विंस पैदा हुए थे एंड ट्विंस हैं, दोनों हैं, दोनों को ऑटिज्म है. वॉचिंग दिस चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट द कंटेंट इन इंग्लिश, आई विल राइट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बिकॉज एज पर योर रिसर्च, डू नॉट टेक द डिसीजन, गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर. अपने डॉक्टर से बात करिए, अपनी रिसर्च के बेसिस पे कोई आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग फॉल्स बिहाइंड, सबसे पहले आप अपनी लाइफ कंडीशन देखिए कि क्या आप 2 बच्चे संभाल सकते हैं या नहीं. अगर नहीं तो आप इस बारे में सोचिए एंड उसके बाद ही डिसीजन लीजिए. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट आई हैव बीन रिसीविंग फ्रॉम यू, बिकॉज इट गिव्स मी करेज. बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है जिनके जो सेकेंड बेबी का डिसीजन था बहुत अच्छा रहा, एंड आई विश एंड प्रे एंड होप कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो. सो कम वॉट मे, आई एम नेवर गोइंग टू रिग्रेट दिस डिसीजन, बिकॉज दिस इज़ माई डिसीजन, दिस इज़ विक्रांत डिसीजन, एंड हम कभी ये रिग्रेट नहीं करने वाले हैं. बिकॉज देन अगेन आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड हैज़ गिवन मी दिस चांस, इस पेरेंटहुड का. So I'm literally blessed and thank you so much for sharing your stories in yesterday's video. बहुत सारी stories पढ़ के बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी stories कल के video में आपने अपनी share करी हैं, अपने autism siblings को लेकर, autism babies को लेकर, और autism जो brother sister हैं उनका bond है कैसा उसको लेकर. So it was really helpful, thank you so much. बहुत motivation मिला और बहुत ही अच्छा लगा. और काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी अपने बच्चों की स्टोरीज मुझसे शेयर करी हैं पर्सनल चैट पे, तो इट वाज रियली लवली टू नो. आई होप विराज का भी बॉन्ड ऐसा ही रहे अपने आने वाले सिबलिंग के साथ. सो थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिएगा, आपसे जल्दी मिलती हूँ. बाय.